इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। गाइज बिफोर आई स्टार्ट लेट मी से दिस, वी नो दैट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इवन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वर्चुअल फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ सभी वर्चुअल थे, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, रियल का चांस नहीं है। लेकिन कॉनकेव में फोकस और फोकल लेंथ, रेडियस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल आर एक्चुअली प्रेजेंट, सो यस वी विल गेट real images, but there is one thing, there are few chances when you make and get a virtual image in concave mirrors as well. So ध्यान रखिए, मैं आपको ट्रिक देता हूँ, पहले मैं एक दो बता देता हूँ फिर ट्रिक देता हूँ फिर पूरा समझाता हूँ, ठीक है, या एक काम करता हूँ पूरा समझा देता हूँ फिर ट्रिक देता हूँ। As I said, सब पे भारी प्रभात तिवारी, we will rock you यार, come on, फिर भी नहीं समझ में आया तो doubt अब है ना। गाइज देखो मैं आपको बता रहा हूं, यू आर गेटिंग टॉट बाय इंडियाज मोस्ट मैग्निफिसेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्किल ऐप। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट, वी विल हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे गाइज, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। देखो आपकी मदद करना ही हमारा गोल है, ये टीचर के जीवन का कुछ होता नहीं भैया, आप हो तो हम हैं, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। पूछ लो, देखो कुछ गड़बड़ है नहीं समझ में, आप पूछ लो, आप सफल हो जाओगे ना। वेन यू गेट सक्सीडेड इन योर लाइफ, द ओनली वन हु रिमेन्स हैप्पी विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विल बी योर टीचर एंड मेंटर। कोई बच्चा किसी टीचर को जाके लाखों करोड़ नहीं देता जब उसका पैकेज लगता है तो, लेकिन टीचर फिर भी खुश होता है और सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता है मेरा बेटा सेलेक्ट हो गया, मेरा बेटा सेलेक्ट हो गया। टीचर्स की जिंदगी अजीब होती है भाई, समझोगे जब बड़े हो जाओगे। चलो अभी मचाते हैं अपन। सो इमेज फॉर्मेशन, पहला रूल, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का साइन है, उल्ट ऐसा एट को ऐसा लेटा के बना दो, इंफिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट व्हाट इंफिनिटी, तब क्या होगा। देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान दीजिए प्लीज, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए, क्योंकि मैं कॉनकेव पहले बता रहा हूँ इसलिए कॉनकेव भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने सीधी लाइन खींच दी, क्योंकि सीधी लाइन बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत आएगी अपन को, ठीक है। ये सीधी लाइन मैंने खींच दी, ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है भाई, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो दो चीज़ें हमें जरूर ध्यान देनी है, मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ, ये फोकस और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी, लाइट ट्रेवल्स पैरेलली, हमें पता है ना, ये तो पता है। अब इन्फिनिटी पर तो पैरेलली आएगी, तो ये देखो लाइट रेज आ रही है, टैन टन, ठीक है। तो पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। फिर से देखो, एक इधर से आ रही है तो ऑब्वियसली एक लाइट इधर से भी आएगी, और ये कहां से जाएगी, फोकस जाएगी। मैं थोड़ा अब इसमें, ये गई लाइट ऐसे चली गई और ये गई लाइट ऐसे चली गई, आप ध्यान से देखो दोनों लाइट एट द एंड फोकस पे मिल रही है, तो दोनों आ रही ना पैरेलल लाइंस, फोकस पे मिलते हुए जा रही हैं। और मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट आपस में मिलेगी, जहां पे मिलेगी एक्चुअल में, जहां पे मिलेगी, ये तो एक्चुअल में मिल रही है ना, तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये जो इमेज है, ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी बाबू,
हाँ अब ये इन्वर्टेड होगी, अब रियल है तो इन्वर्टेड होना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटी होगी तो हम लिख देते हैं पॉइंट साइज्ड। कैसा भैया? पॉइंट साइज बहुत छोटी, रियल तो है बट बहुत छोटी है। समझ में आया? और कहाँ बन रही है? एट फोकस, एट फोकस। कहाँ पर थी? जब इन्फिनिटी पे थी। अब हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में। पहले तो अपन बहुत दूर थे, अब थोड़ा पास आ गए। तो चलो आ जाओ। नंबर टू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। सी और इन्फाइनाइट मतलब बहुत दूर, उससे थोड़ा आगे आएगा, सी के बीच में। या ऐसा बोल सकते हो इसको, क्या? बिहाइंड सी, ऐसा कई लोग ऐसा बोलते हैं, बिहाइंड सी, जो भी बोलना है आपकी चॉइस है। आ जाओ, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? ये आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी दिखा देते हैं भाई। दिस इज ऑब्जेक्ट। यस, थोड़ा बड़ा बना दें, वैसे चल जाएगा काम। चलो अब इमेज फॉर्मेशन खेल लेते हैं। एक लाइट गई यहाँ पे, और ये कहाँ से जाएगी भैया? फोकस से होके जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट कहाँ से गई? फोकस से गई। अब ये कहाँ से जाएगी? पैरेलल होके जाएगी। तो चलो पैरेलल बना देते हैं। अब ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था और इमेज, ये बनी इमेज, येलो कलर से बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ये देखो ये ऐसे गई थी तो ये ऐसे चली गई, और ये यहाँ से गई थी लाइट तो ऐसे चली गई। अब ये यहाँ पर मिली है एक्चुअली, इस पॉइंट पे एक्चुअल में मिली है ना, है ना, ये एक्चुअल में मिली है लाइट। यस, मैंने येलो कलर से बनाया, एक्चुअल में मिली है, तो इसलिए इमेज कैसी है? रियल, वेरी गुड। उल्टी तो आपको दिखी रही है, इन्वर्टेड उल्टी तो दिखी रही है, तो इन्वर्टेड। अब ये देखो इसका साइज इतना था और इसका इतना सा है, एक्चुअली में ये ऐसे ही बनता है। समझ सोचो कि सर मैंने इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें जो की है ना, ये देखो फिर भी मेरा ये तिरछा हुआ, और ये देखो ना ये पैरेलल नहीं खींच पाया मैं, अगर इसको मैं और पैरेलल खींचूँ तो ये कुछ यहाँ पर जाके मिलेगी। सो ये कहाँ बनेगी? बिटवीन C एंड F। जब C और इन्फिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट है, जब C और इन्फिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ है? C और F के बीच में। यस yes, अच्छा, एंड क्या है? स्मॉल साइज्ड। देखो ये इतना बड़ा है और ये इतनी सी। समझ में आया? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, C और F के बीच बनेगी। जब C और इन्फिनिटी है तो C और F, ध्यान दो बस, यही ट्रिक है। सी इन्फिनिटी सी एफ, जब इन्फिनिटी पे थे ऑब्जेक्ट तो एफ पे बनी थी इमेज। देखो जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो एफ पे बनी थी इमेज। अब जब सी और इन्फिनिटी के बीच है तो सी और एफ के बीच बना, मतलब सी कुछ नहीं कर रहा है, एफ और इन्फिनिटी के बीच ही एक्सचेंज हो रहा है। आ जाओ और करते हैं, आ जाओ एक और। अब और पास लेके आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट सी पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? सी पर है। आ जाओ देखने क्या होगा।
वैसे तुम लोग हो चालाक, समझ गए होगे, ऑब्जेक्ट सी पर है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? आ जाओ देख लेते हैं। यहां पर एफ है और यहां पर सी है, ठीक है। मैं अंदाजे से बना रहा हूं, आप स्केल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ना बच्चों, एक भी पॉइंट यहां वहां नहीं लेगा, एकदम एकदम सटीक बैठेगा ये। तो चलो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। अब देखना मजा, मजे मजे आएंगे। अब ये गई लाइट इधर और यहां से आ गए इधर, ये हो गया एक। दूसरी लाइट कहां से गई? फोकस से। ठीक है, और अब ये हो जाएगी पैरेलल। पैरेलल मैं इनको एरो के डायरेक्शन भी बना देता हूं। ये ऐसे गई थी, ऐसे चली गई, और ये ऐसे गई थी, ऐसे चली गई। अब मैं यहां पर इसको बना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको एहसास हो ही गया होगा। ठीक है, एक्चुअली ये यहां पर ही मीट करती है, यहां पर गाइज ये यहां पर ही पूरी मीट होती है। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ऑब्वियसली ये पूरा कर्व भी नहीं है, आप देख सकते हो, लेकिन ये बनेगा, आप बना के देखना यार, 100% बनेगा, 100% एक्सेप्शन ही नहीं है इसमें कुछ। तो अब इमेज की कंडीशन क्या है, अब आप खुद बताओ इमेज क्या है, रियल है कि वर्चुअल है? तो रियल है, सेम साइज इमेज, सेम साइज की बनेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन या कुछ गड़बड़ी होती नहीं, ठीक है। रियल भी है, सेम साइज है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, एंड 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 वेरी इंपॉर्टेंट क्या, एट सी। तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी पर इमेज बनेगी, ठीक है। देखो जब तक एफ एफ की कहानी चल रही थी ना, तो इन्फिनिटी और एफ आपस में खेल रहे थे, ठीक है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं, हम पहले यहां से बढ़ते बढ़ते, यहां से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी से इधर आए थे, फिर अब सी तक पहुंच गए। अब अपन क्या करते हैं, सी और एफ के बीच जाते हैं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। चलो, फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। चलो देख लेते हैं, डन। इधर है हमारा एफ, इधर है हमारा सी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इस बार यहां रखा है बच्चों, ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, एक लाइन ऐसे गई पैरेलल, तो ये पैरेलल गई है तो कहां से जाएगी, एफ से जाएगी, तो ये गई एफ से, ठीक है। और दूसरी गई फोकस से, तो कहां से जाएगी, पैरेलल नहीं बनी यहां पे। अब अगर मैं इसको मिलाऊं, अगर मैं इसको मिलाता हूँ, सी ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखिए, तो इमेज क्या बन रही है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और इन्फिनिटी के बीच। देख रहे हो, समझ में आ रहा है, एफ और इन्फिनिटी आपस में खेले जा रहे हैं, तो
अब क्या बना, देखो इमेज, इमेज कहां पर है, बियॉन्ड सी, या आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, वहां पर इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। और ध्यान से देखो, ये इतना है और ये इतना बड़ा है, तो मतलब बिग इन साइज। पहले इमेज छोटी होती जा रही थी, हाँ है ना, तो अब इमेज कैसी है, बिग इन साइज है, इन्वर्टेड है, रियल है। अब फोकस पे रख देते ना, आ जाओ क्या नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब फोकस पे ही ऑब्जेक्ट आ गया, ले तो क्या होगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन विच इज सेट टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस, वी नो, ओके, सो दिस इज एफ एंड दिस इज लेट से सी, सो और ऑब्जेक्ट इज नाउ प्लेस्ड हियर। अब तुम लोग समझ गए होगे कि सर अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी भी हो गई बाबू, देख लेते हैं ना यार क्या लोड है। मैं थोड़ा ऐसा मिमिक कर रहा हूँ बट अपन को समझने से मतलब है, देखो ये गए ठीक है, और अब ये फोकस से गई, हाँ ना, और दूसरी को भेज दो कहाँ से, फोकस से, तो फोकस से क्यों भेजने का, क्योंकि अभी ये है तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भेजते हैं, भेजें, चलो तो इसको भेजा अपन ने कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट जा रही है, ठीक है, ये ऐसे गई थी और ऐसे चली गई, और ये ऐसे गई तो ये कहां से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइट वैसे ही वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट होके, ओह लेट मी चेंज दिस कलर, सो यू कैन सी दीज आर ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस, यस, सो पैरेलल लाइंस कहां मिलती है, इंफिनिटी पे मिलती है, हाँ ना। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइस, प्लीज रिमेंबर, ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाला, अगर किसी बच्चे को लगता है सर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ नहीं भेजा, आपने पहले मिरर की तरफ भेजा, हमने चार रूल बनाए थे, प्रिंसिपल से जाएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल के पैरेलल हो जाएगी, सी से जाएगी तो सी पे ही आएगी विदाउट डिफ्लेक्शन, और पोल से जाएगी तो इक्वल एंगल बना के जाएगी, तो आपको अगर ये वाले में दिक्कत होगी ना तो घबराना मत। देखो मैं आपके लिए, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा कोई बोले नहीं सर ये अगर हमको उधर भेजने को नहीं मिला तो ये तो मिलेगा ना, ये देखो ये गई और ये गई, अब इसमें तो वांदा नहीं है, ये देखो ये गई प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल तो फोकस से निकल गई, और ये गई पोल पे तो इक्वल एंगल बना के निकल गई। अब देखो इन दोनों के बीच, ये दोनों है ना पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस मीट्स एट इंफिनिटी, सो दे विल डेफिनेटली मीट, ओके, ऐसा अपन को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इमेज क्या है, एज्यूम पे जा रहे हैं, एक्चुअल में मिल नहीं रही है, तो इसीलिए कई बुक्स में यहाँ पे आपको रियल मिलेगा और कई में वर्चुअल, लेकिन आपको फोकस करना है मोर ऑन रियल वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि दिख रही है ना जाती हुई, मिलेगी हम नहीं देख पा रहे, हमारी गलती है, ठीक है, वेरी स्मॉल इमेज रहेगी, बहुत छोटी इमेज रहेगी, सॉरी बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी, उल्टा बोल दिया मैंने, क्यों बड़ी रहेगी, वेरी लार्ज क्यों रहेगी, अरे इन्फिनिटी में मिल रही तो बड़ी इमेज मिलेगी, हम कहाँ जाके देखने वाले हैं, ठीक है, एंड कहाँ मिल रही है, एट इन्फिनिटी, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे मिल रही है, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे मिल रहा था, सब कुछ इन्हीं दोनों के बीच हो रहा है, बाकी तो फोकट में ही आए हुए हैं। अब लास्ट, बस लास्ट, लास्ट का
0.6, ये 5 था ना शायद, यस, सो 0.6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नहीं, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच है। ये एक्चुअली एक ऐसा पार्ट है जिसपे मैं स्टार बना रहा हूँ। क्यों स्टार बना रहा हूँ? क्योंकि ये है ना एक्सेप्शन बन जाता है। टिल नाउ इन इंटायर कॉनकेव मिरर्स वी गॉट रियल इमेजेस एंड दिस इज द ओनली केस व्हेन वी गेट अ वर्चुअल इमेज वेयर दे नेवर मीट द लाइट, नेवर मीट, एंड सो वी क्रिएट सच अ थिंग कि ये मिल नहीं रही हैं, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी? हम देखेंगे, और जब देखेंगे तो ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूँ वर्चुअल है तो कुछ तो तूफानी होगा। आ जाइए देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, फिर ये गई लाइन, ठीक है, ओके, और अब यहां पर लेट्स मेक फोकस थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एफ और लेट्स से सी इज हियर, ओके। नाउ लेट मी प्लेस और ऑब्जेक्ट, सो लेट्स से ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है टेन टेन, बस अब क्या है, लाइन खींचनी है। तो ये देखो लाइन, ये येलो वाला नहीं, व्हाइट वाला ले लेते हैं। तो ये गई पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी कहाँ से? फोकस, ठीक है। अच्छा अब दूसरा देखो, दूसरा पी वाला है ना, कलर फिर से चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट ग्रीन, और ये कहाँ गया, कहाँ पी पर, और यहां से ऐसे जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो यहां पे, तो यू विल रियलाइज कि यहां पर ये लाइट डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है ना, दी लाइट्स आर गेटिंग डाइवर्ज, और जो लाइट डाइवर्ज होती है ना बच्चों, फैलती है ना, वो कभी नहीं मिल सकते, वो कभी नहीं मिल सकते, समझ में आया कि नहीं? सो दैट मीन्स दे आर नेवर गोना मीट इन इंफिनिटी, एट इंफिनिटी दे नेवर मीट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे भाई? गेम। तो हम ये मानेंगे कि ये देखो, इसको पहले ये समझ जाना, ये इधर से गया, इधर से गया ना। अब हम ये मानेंगे कि ये ऐसे मिलेंगे, डॉट 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 डॉट, इसको पीछे लेके गए और इसको भी पीछे लेके गए, समझ में? तो ये पीछे कहीं यहाँ पे जाके मिलेगी, और जब ये यहाँ पर मिले तो हमको यहाँ पे इमेज मिलेगी। ऑब्जेक्ट इतू सा, इमेज इतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधी। अभी तक क्या हो रहा था? देखो इमेज उल्टी मिल रही थी, देखो ये देखो, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज उल्टी। अभी क्या हुआ देखो, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधी, और ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है, हमने डॉट डॉट करके मिलाया पीछे। तो इमेज क्या है? वर्चुअल, एक्चुअल नहीं है ये, वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है ये, ठीक है। और क्या है? इरेक्ट, सीधी है, हाँ है ना। नंबर 3, इनलार्ज्ड है, बड़ी है, इनलार्ज बड़ी है, और कहाँ मिल रही है? अरे वर्चुअल है तो कहाँ मिल रही है? बिहाइंड द मिरर्स, या बिहाइंड द मिरर, इधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, बिहाइंड द मिरर। सो दिस इज द ओनली केस बच्चा पार्टी, व्हेन यू गेट अ वर्चुअल इमेज, माइंड इट, इन अ व्हाट, इन अ कॉनकेव मिरर। सो लेट मी गिव यू द ट्रिक, यू पीपल आर नाउ रेडी टू गेट द ट्रिक, कम ऑन।
अभी ट्रिक दे देता हूँ यार, ठीक है, ट्रिक दे देता हूँ, फिर आपको कॉन्वेक्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको मिरर फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर मैं मैग्नीफिकेशन बता देता हूँ, और बस वृंदा मिजाई लाल की जय। तो देखो बच्चा पार्टी, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, तो इमेज क्या होगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इसका एक छोटा सा आपको चार्ट दे देता हूँ, और ये हर जगह काम आएगा बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मजा आ जाएगा। एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ रहेगी, इमेज फोकस पे, ये मैंने एफ ये वाला नहीं बनाने का है, ये वाला बनाना है, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। अच्छा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल पॉइंट साइज, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर इन्फिनिटी एंड सी के बीच में है तो कहाँ बनेगा, एफ एंड सी के बीच, बस इन्फिनिटी को एफ, बस ये खेल खेलना है। अब रियल इमेज तो बनेगी, सब में रियल रहेगा बट स्मॉल बनेगी, अब और सीधी बात है इन्फिनाइट से लाइट आ रही है तो इमेज छोटी रहेगी, जैसे जैसे पास आता जाएगा इमेज बड़ी होती जाएगी, ट्रक दूर है तो छोटा दिखता है ना, पास आता तो बड़ा होता जाता है ना, कॉमन सेंस लगाना भी कुछ बनता है ना भाई, तो याद रखना पॉइंट साइज स्मॉल, सेम साइज धीरे 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 बिग, यूज इट, ठीक है। तीसरा सी पर है तो सी पे बनेगी, रियल होगी और सेम साइज होगी। नेक्स्ट सी और एफ के बीच है तो सी एंड इन्फिनिटी के बीच बनेगा, अब क्या होगा पॉइंट साइज, अच्छा रियल तो सभी रहने वाले हैं एक को छोड़ के, रियल पॉइंट स्मॉल सेम, अब क्या होगा, हाँ बिग या इनलार्ज्ड। फिर नेक्स्ट अगर एफ पर है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल भी होगा और इनलार्ज्ड होगा, मतलब इससे भी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इस पर मैं स्टार बना रहा हूँ, ये इकलौता केस है, जब F एंड P के बीच बनेगा तो इसमें मैं लिख रहा हूं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और स्टार बना याद रखना, ये वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा मतलब सीधा रहेगा एंड इनलार्ज रहेगा, प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का इस मैजिकल दुनिया में, रटने का कुछ नहीं, देखो बता रहा हूँ मैं आपको जितना ही पढ़ाऊँगा यही समझाऊँगा, रटना मत, रटने की एक लिमिट होती है, समझने में आप कुछ भी समझ जाते हो, लोग तो गलत भी समझ जाते हैं, इतना समझते हैं लोग, हमको तो सही सही चीज़ें समझनी है तो सही चीज़ें समझ ही सकते हैं ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये रूल तो हमने पहले समझ लिए थे, तो लेट मी क्लीन दिस स्क्रीन फॉर यू गाइज एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन, और इसमें वर्चुअली बनता है तो इसमें ज्यादा कुछ तीन टप्पर नहीं है, वही है एक ही चीज है। मान लो पहला केस ले लो, चलो थोड़ा मॉडर्नाइज करते, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, आपको आंसर पता है, इमेज विल बी एट फोकस आपको पता है, बट थोड़ा बना के दिखाते हैं अपन, ठीक है, मुझे पता है कि आपको पता है, ये देखिए ये गई लाइन, ठीक है, अब इसका यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे है तो लाइन कैसी आएगी, पैरेलल आएगी, तो देखिए ये लाइन आ रही है, पैरेलल आ रही है, देखिए ये एक वाइट ले लेता हूँ, ये देखिए ये आ रही है लाइन पैरेलल, पैरेलल लाइन आ रही है, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो ये एक्चुअली फोकस से जाती नहीं है, जाती हुई लगती है, ठीक है। तो मैं इसको आगे, इसमें यही करना है आपको, थोड़ा इमेजिनेशन डेवलप करना है, ये देखो, ठीक है, तो ये लाइट ऐसे गई और ऐसे चली गई, इधर से भी कर लो सेम, ये लाइट ऐसे गई, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकल गई, और ये पीछे
यहाँ, तो ये मिलते नहीं हैं. सी इफ यू चेक देम क्लियरली फ्रॉम हियर दे आर गेटिंग डाइवर्ज्ड. सी ऐसे फैल रहे हैं, तो हमने उसको पीछे मिलाया. एक्चुअल में नहीं मिलती है, हम मिलाते हैं, और क्योंकि हम मिला रहे हैं तो इसलिए इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इमेज विल बी वर्चुअल पॉइंट साइज्ड एंड विल बी एट फोकस. यस, इजी है ना? यस ना, परफेक्ट. अब मैं एक काम करता हूं, इसमें एक दूसरा केस भी ले लेता हूं, ठीक है. लेट मी टेक अनदर केस हियर, नंबर टू. व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू मिरर, पहले इन्फाइनाइट बता, अब पास लेके आ गया, वो कितना पास है अपन देख लेते. क्या फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, सॉरी फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, और मान लो ये पास आ गया, पास आ गया, पास आ गया, ठीक है. अब चलिए बच्चा पार्टी, आप लोग तो टैलेंटेड है, अब आप लोग देखिए, ये गई लाइट ऐसे, डन. अब ये लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है, तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी ना, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, लेकिन क्या अंदर छेद करके थोड़ा ना जाएगी भाई, तो ये फोकस से चली गई, ये चली गई फोकस से. हम इसको पीछे मिला देंगे, धार्मिक लोग हैं अपन. ये देखो, ठीक है, ये फोकस से चली गई. अच्छा, दूसरी कहां से जाएगी लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर. चलो ये भी अपन ने एक बार भी नहीं किया ना, तो लेट्स डू इट. मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, अब इसके अंदर तो नहीं भेज सकते क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे जाएगी वो वैसी निकल भी जाएगी, है ना. तो इसको है ना, तो ये कहां बन रही है, यहां पे बन रही है, ठीक है. तो वाइट ले लेते हैं और ये बन गई इमेज. तो इमेज कैसी है, वर्चुअल नंबर वन, इरेक्ट नंबर टू, स्मॉल इन साइज, जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज है, है ना. ये सुनो, अच्छा ये आपने एक जगह देखा है, ये चीज आपने एक जगह देखी है, सीधा भी दिखता है बट छोटा दिखता है, किस में देखा है, यस, जो कार्स या बाइक्स है उनके जो साइड ग्लासेस होते हैं उसमें यही मिरर होता है, उसमें लिखा भी है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. बड़े बड़े ट्रक छोटे दिख जाते हैं उसमें, क्यों, देखो बड़ा ट्रक छोटा दिख रहा है, सीधा दिखता है, आपको उल्टा ट्रक दिखेगा तो कंफ्यूज हो सकते हो ना. तो स्मॉल भी दिखता है, इरेक्ट भी दिखता है और वर्चुअल तो होता ही है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्लास उधर घुमा दिया तो उधर जाके इमेज दिख रही है ट्रक की, ऐसा नहीं होता. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने नोटिस किया है क्या, ये जो स्मॉल बन रहा है ना, स्मॉल एक इकलौता ऐसा केस है जिसमें इमेज वर्चुअल तो है लेकिन बड़ी बनती है. कहां वर्चुअल है लेकिन बड़ी बनती है, इसमें कॉन्वेक्स में यू आर गेटिंग वर्चुअल इमेज. एग्री, कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज मिलती है लेकिन छोटी मिलती है, लेकिन कॉनकेव में जो इमेज मिलती है वो बड़ी मिलती है. देखो देखो देखो, मिलती है ना. तो याद रखना, जब हम शेविंग करते हैं ना, तो शेविंग करते समय, अब हम शेविंग आजकल बाहर से करा लेते हैं, लेकिन जो शेविंग के मिरर्स आते हैं उसमें छोटी छोटी चीज बड़ी दिखती है, कॉनकेव मिरर. और गाड़ी के साइड लाइट्स में वर्चुअल इमेज छोटी दिखती है, कॉन्वेक्स मिरर. यस यस यस, समझ में आया. देखो सीधी सी बात है, जीतेंगे तो है, कंफर्म है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है.